हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है हमारे चिक्स का 18वां दिन। जी हाँ, आज सुबह हुई है, अभी 8:30-9 बज रहे हैं। तो और आप सोच रहे होंगे कि मैंने पर्दे नीचे क्यों कर दिए, क्योंकि अंदर गैस बहुत ज़्यादा थी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब ये अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन इनको अभी भी बाहर की हवा अंदर नहीं लगने देनी। लेकिन फ्रेश हवा अंदर आए, लेकिन ऊपर ऊपर रहे, नीचे हवा ना जाए। जी हाँ, हमने नीचे से, यहाँ नीचे से कॉटन ऊपर नहीं करना, ऊपर से नीचे करना है, वो भी कम से कम एक डेढ़ फीट, बस ज़्यादा नहीं करना। एक फीट कब करना है, जब आपका चिक्स 17-18 दिन से ऊपर हो जाए, 17-18 दिन हो जाए। हाँ, वो दूसरी तरफ से जहाँ से धूप नहीं आती, वहाँ 6 इंच करना है। एक सिर्फ ओनली सिर्फ गैस बाहर निकल जाए, हवा क्रॉसिंग हो और गैस बाहर निकल जाए, सिर्फ उसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर ज़्यादा करोगे कि चिक्स को नीचे हवा पड़ेगी, फिर साउंड आएगा और CRD आएगी, सर्दियाँ हो जाएगी इसको। इसलिए बचाव रखना है गैस से और बाहर की हवा से। जी हाँ, बाहर की हवा तो चल नहीं लगेगी, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर से खोला हुआ है। बाहर की हवा बिल्कुल नहीं लगेगी, हवा ऊपर ऊपर से रहेगी, लेकिन जितनी भी अमोनिया गैस है वो सारी बाहर निकल जाएगी। जी तो दोस्तों, मैंने 3 पार्टीशन की हुई हैं, एक ये रही आगे, एक यहाँ मैं खड़ा हूँ और एक वो रही, ठीक है ना। तो 60-60 फिट की दूरी पर पार्टीशन है, हमारा शायद 180 फिट लंबा है। तो अगर पार्टीशन ना करते, वहाँ से बर्ड भागता और लास्ट तक जाता, तो कितना वजन कम हो जाता। इसमें ये थोड़ा टाइट रहेगा और वजन ज़्यादा देगा, भाग दौड़ कम करेगा लेकिन वजन ज़्यादा देगा। इससे हमें फ़ायदा है, जितनी फीड खाएगा उतनी फीड की ये वजन देगा, बर्बादी नहीं होगी। जी हाँ, तो ये ज़रूरी है, ये सर्दियों के लिए ज़रूरी, गर्मियों के लिए नहीं, सर्दियों के लिए ज़रूरी है। जी हाँ, गर्मियों में मैं कभी भी पार्टीशन नहीं करता, कभी भी नहीं करता, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक खुला खुला बच्चा रखता हूँ मैं, और सर्दियों में ज़रूरी हो जाता है ये चीज़ें। तो मेडल्टी आज हमारी एक है, वर्ड बड़ा है अभी काफ़ी, तो उसको मैं देखूंगा क्यों मरा वो, तो उसको मैं PML करूंगा, उसको पोस्टमार्टम करूंगा। और पहली बार मतलब कि इस लॉट में पहला PML करूंगा, क्योंकि जितने चिक्स मरे सभी छोटे छोटे मर रहे थे। आज बड़ा चिक्स मरा, मैं देखूंगा क्या बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है। जी हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र आई तो मैं क्या करूँगा, मैं उनको देसी जुगाड़ से उनको सही करूँगा। जी हाँ, तो पार्टीशन करनी बहुत ज़रूरी है, गैस निकालनी बहुत ज़रूरी है, पानी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जो पानी है ना इसके बीच में साफ़ करना। आज हम फिर करेंगे साफ इनको, पानी को, और पंजी तो डेली लगानी, लीटर रैकिंग डेली करना है। तो किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आपका जो ये है ना लीटर है गीला है। भाई मैं क्या बताऊँ, पता क्या होता है, इसका रंग ऐसा हो गया है, लेकिन ये गीला नहीं है, बिल्कुल भी सूखा है, कहीं से भी ये गीला नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार पंजी लगा रहे हैं, हवा क्रॉस कर रहे हैं, हम हवा क्रॉसिंग दे रहे हैं। और हवा क्रॉसिंग से क्या होता है कि अमोनिया सारी बाहर निकल जाती है, ह्यूमिडिटी बाहर निकल जाती है, गैस सारी बाहर निकल जाती है, तो गीला होने का चांस बहुत ज़्यादा कम है। जी तो इसलिए मेरा गीला बहुत कम है, और बर्ड भी, छोटा बर्ड बीच में बहुत ज़्यादा कम है, इतना ज़्यादा बर्ड छोटा नहीं है, लेकिन छोटा बर्ड है लेकिन कम है। उसका हम देखते हैं बर्ड ऊपर चढ़ा कर ना, तो इनकी पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन करके इनको अलग अलग कर देंगे। जी हाँ, फिर उसका ट्रीटमेंट अलग से करेंगे। देखिए बर्ड हमारा कितना स्वस्थ है, कितना बढ़िया है, और पंख फैला कर बैठा हुआ है, और गर्मी लग रही है इनको। जी अंदर पूरी गर्मी है और बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। जी बाहर तो देखिए आप, बाहर का नज़ारा, धुंध पड़ी हुई है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, धुंध पड़ी हुई है बाहर। तो अभी मैं इस तरफ से भी 6-6 इंच नीचे कर दूंगा, ताकि इनकी हवा लगे और जितनी थोड़ी बहुत गैस है सारी बाहर निकल जाए। और 4-5 घंटे मैं ऐसे रहने दूंगा, और दोपहर के बाद अब मैं इसको फिर ऊपर करूंगा, क्योंकि इनकी रात आसानी से निकल जाएगी। रात को फिर पर्दे ऊपर करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर रात को इतनी ठंड हो जाती है, मैं बता नहीं सकता, तो रात को ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर रात को हम उसको ऊपर कर देंगे, ताकि इनकी रात
आसानी से निकल जाए। गैस बाहर निकालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चा आज हमारा हो गया 18 दिन का, और फिर हम 2 दिन और रखेंगे इसको, फिर हम ऊपर चढ़ा देंगे इनको। देखते हैं, 2 रखना 3 दिन रखना है, फिर उसके बाद हम उसको ऊपर चढ़ा देंगे। जी ओके दोस्तों, धन्यवाद।